नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जोशी एएमबी न्यूज में फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कंटिन्यूस हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, नई नई इंफॉर्मेशन, नई नई सर्विसेज, नए वर्कशॉप, नए एग्जीबिशंस, वो सभी की इंफॉर्मेशन आपको एएमबी न्यूज में हम देते आए हैं। तो आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो आप जरूर से कर लीजिए। हर मंगलवार रात को 8 बजे एएमबी न्यूज रिलीज होता है यूट्यूब पर। हमारा नंबर डाउन कर लीजिए, 9222392434। स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप आराम से लिख सकते हैं। और info.amnews@gmail.com वहाँ पर भी आप आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, वो सभी के ऊपर हम लोग अवेलेबल हैं। तो आपको कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एएमबी न्यूज़ आपको देखने मिलेगी। आपके नए प्रोडक्ट की जानकारी हम आपको देते आए हुए हैं। और स्पेशली लास्ट एपिसोड में हमने यहाँ पर बात की थी कि क्यों प्रिंट मीडिया इम्पोर्टेंट है। विमल जी ने भी आपके साथ शेयर किया था कि एल्बम क्यों इम्पोर्टेंट है, फोटो प्रिंट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप जरूर से आपके फंक्शंस के, आपके मेमोरीज के सभी इंफॉर्मेशन आप प्रिंट मीडिया के थ्रू आपके कस्टमर को भी इंसिस्ट कीजिए कि प्रिंट क्यों इम्पोर्टेंट है और प्रिंट करवाइए। प्रिंट करेंगे तो कस्टमर के गेस्ट भी देख सकेंगे, आपके कस्टमर भी देख सकेंगे और उससे रिपीट ऑर्डर आने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आइए ये एपिसोड में भी हम आपके साथ प्रिंट मीडिया के स्पेशलिस्ट से बात करवाएंगे कि क्यों प्रिंट मीडिया इम्पोर्टेंट है और किस किस टाइप से प्रिंट होते हैं और कौन से जरिए प्रिंट होती है और कितनी सारी प्रिंट में वैरायटीज है, वो भी हम यहाँ आपसे देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम यहाँ पर एएमबी न्यूज़ हेडलाइंस। 5 दिन की एक बर्ड वॉचिंग फोटोग्राफिक टूर एट भरतपुर, इस्लामपुर वर्कशॉप की फोटोग्राफ्स हम देखेंगे। निकॉन Z8, यस, इसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। तो मेमोरी क्या रहेगी, कैसे मेमोरी कार्ड की जगह पे क्या प्लेसमेंट आ रहा है वो भी हम देखेंगे। फ्री कम्युनिकेशन सुपर इजी नाउ बाय वायरलेस हेडसेट कम्युनिकेशन। लेंस क्या है, कैसे वर्क करता है और लेंस इतने महंगे क्यों है, आइए देखेंगे एएमबी न्यूज़ में। जानेंगे एल्बम प्रिंट करवाना क्यों जरूरी है और हम इसके लिए आपके साथ मुलाकात करवाएंगे उज्जवल ठक्कर जी। यस, एएमबी न्यूज़ में हम आपको दिखा रहे हैं नासिक के मिलिंद देशमुख आयोजित कर रहे हैं एक 5 दिन की बहुत अच्छी एक फोटो टूर जिसका सब्जेक्ट रहेगा बर्ड वॉचिंग। ये रहेगा भरतपुर में और इसकी डेट है 28 जनवरी से 1 फरवरी तक। और ट्रेन ट्रैवलिंग करना है इसमें तो आप जरूर से जल्दी से बुक कीजिए और कॉल कीजिए मिस्टर मिलिंद देशमुख जी से। इस्लामपुर में फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स के लिए वर्कशॉप आयोजित किया गया था, आइए देखते हैं उनके कुछ फोटोग्राफ्स। एएमबी न्यूज में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, Z6 जब लॉन्च हुआ तभी से निकॉन के Z8 के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी लोग। तो कुछ सूत्रों के अनुसार उसकी Z8 की डेट कुछ रिलीज हुई है, तो आइए जानते हैं कभी और कैसा Z8 कैसा होगा। निकॉन Z8 माइट बी द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग रूमर्ड कैमरा इन हिस्ट्री। Even after almost 2 years of speculations, no official announcement or reliable specs are out. Now, some new rumors are surfacing around Z8's release date. So,
What are these new pieces of information that are surfacing, and what can we expect from Nikon? Well, let's find out. A few months ago, two roadmaps were surfacing on the web, and later, we got to know that those were just some users' wish lists. Those roadmaps never came true, and now, according to Nikon rumors, Nikon will announce the Z8 in spring 2023. That means we can expect to see an announcement in March of next year. There are no confirmed specs leaks, but it's supposed to compete with the Sony A7 R5, so we can expect to see some similar specs in the Z8. Now, according to the rumors, the Nikon Z8 camera design is production ready. The only issue they're facing right now is the ongoing parts shortage. Now, if you look at the previously unconfirmed specs, we see that the Z8 will be an SLR style mirrorless camera. It'll be a more refined version of the Z9 body with no grip, replacing the mighty D850, which is ideal for landscape photographers. Some pictures and mock photos of Z8 are also surfacing, but no confirmation on those yet. The Z8 will feature a 61.2-megapixel full-frame stacked CMOS sensor. It's been surfacing for a while that the Z8 will have a higher megapixel sensor to compete against Sony and Canon. A fully articulated LCD screen and dual CF Express slots are also expected to be here. The Z9 is too big for street photography and traveling. On the other hand, the Nikon D850 is arguably the best of those scenarios. So, the Nikon Z8 makes sense for Nikon, so it'd be the Z version of the D850. However, releasing the Nikon Z6 III before the Z8 makes even more sense since they need to compete in the mid-tier cameras before releasing another semi-high-end camera. It's been over 2 years since Z6 II was released, so where is the Z8 or Z6 III? Most Nikon fans really just need the Z8 to perform at the level that the A7 R5 appears to be at. No specifications are yet out, and all the rumors are shared in our previous video. Now, we don't think any rumors are making any sense at this point. Nikon needs to up their game in order to compete in the $4,000 price range. We just hope that when the Nikon Z8 is released, it will not compete with the 3-year-old Canon R5 or Sony A7 R4, but will instead do something much more noteworthy and evolving. So, this was all about the rumored Nikon Z8. What do you think? Share your thoughts in the comment section down below. एक भी न्यूज़ में हम आपको बताएंगे कि मेमोरी कैमरे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और साथ में मेमोरी कार्ड का क्या इम्पोर्टेंट है वो तो आप सभी को मालूम ही है लेकिन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलवेज फोटो वीडियोग्राफर्स के ऊपर रहती है वैसे ही मेमोरी कार्ड के ऊपर भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो अभी आगे क्या नया यस देखते हैं मेमोरी कार्ड के आगे क्या यस कैमरा टू क्लाउड डायरेक्ट मेमोरी कार्ड की जगह ले रही है क्लाउड तो आप जैसे शूट करोगे वैसे डायरेक्ट वो सब फुटेज क्लाउड पे चला जाएगा क्लाउड पे रिकॉर्ड रहेगा आप जहां पर भी हैं जहां से भी हैं वहां पर आप कोई भी वहां पर आपके एडिटिंग के लिए इजी हो जाएगा और कहीं पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आइए देखते हैं ये वीडियो में कि किस टाइप से Every year at Adobe's global event called Adobe Max, we get to see new features and upgrades for the product lineups like Photoshop and Lightroom. But this year's event caught everyone's attention with the latest announcement of Camera to Cloud, a technological first step towards the future. Now, what exactly is Camera to Cloud, and can it change the game? Well, let's find out. This all started back this summer when Adobe bought Frame.io for reportedly $1.275 billion. Now, you might be wondering why did Adobe make such a big investment? Well, Frame.io started 18 months ago and they came up with a revolutionary idea that can ease the process of filmmaking and photography. Frame.io is a cloud collaboration platform that centralizes creative teams so that the creators have total access to all of their work anytime, anywhere. To hand off footage from a camera, it has to go through a lot of stages after the shoot is done,
just to make sure that the production and editing offices can have their work and start working on post-production. Typically, stills and videos along with the in-shoot audio you have to record on the physical drive, then transfer those to the editor or the cloud, and then the editor has to download those again and start this work. This takes a lot of time and costs more too. Frame.io offers great help with this issue. They've introduced a new technology called Camera to Cloud or C2C, which debuted in 2021 under Adobe. For the past 18 months, Frame.io has seen global adaptations from creatives and productions of all sizes, saving time and allowing them to use Camera to Cloud technology as a primary component in their workflow. At this year's Adobe Max, they announced the latest partnership with Red and Fujifilm. Red cameras already have the cloud-to-camera features enabled through the use of Teradek Cube 655, an H.264 video encoder since the original launch of Frame.io. But now, that extra bit of hardware will not be needed to have the cloud-to-camera feature. You can directly upload 8K Red Code RAW files from the upcoming Red V-Raptor and Red V-Raptor XL cameras straight to the cloud. Fujifilm X-H2S will also come with a firmware update next year so you can do C2C for stills. Its elegant software is very easy to interact with and shoot to the cloud. It also has better and tighter security, an archiving system, and support for high-resolution RAW files with the LAUP, navigation, and annotation tools. According to Adobe, it's more than a technological first, it's the future. Not to mention, a high-bandwidth internet connection is required to make this work. Cellular networks or Wi-Fi will have to be top-tier to provide efficient performance. The cloud storage itself can also be an issue. This cloud-first workflow will take some time to adjust to, but it'll unlock creative control that's never been seen before. All of this camera to cloud footage or stills can be accessible with a single login and a single password, all in the Adobe Creative Cloud. This April, Adobe announced Frame.io's extension for Adobe Premiere and After Effects, so editors can review anything from Adobe Premiere Pro, and its subscribers already have a free Frame.io subscription. Waiting has been a constant thing in film and photography for over a century, so this camera to cloud can solve this problem and accelerate content creation like never before. So, that was all about the upcoming Adobe's camera to cloud feature. What do you think? Share your thoughts in the comment section down below. AMV News हर नए प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ बात करता है जो फोटो वीडियो रिलेटेड जुड़ा हुआ रहता है. यस, वैसे ही और एक हम आपके साथ बात शेयर करेंगे जो कि कम्युनिकेशन. यस, कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है लाइव शूट के टाइम पे. यस, आप कोई भी इवेंट्स लो, कॉर्पोरेट लो, स्पोर्ट्स लो, या आपके कोई भी इवेंट्स है, इवन वेडिंग भी, तो हर एक में टीम वर्क होता है और टीम वर्क में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. तो अगर जो आप वॉकी टॉकी से बात कर सकते हैं, हेडफोन से बात कर सकते हैं, बहुत सारे वायरलेस टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई हुई है, तो हम आपको नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, वायरलेस हेडसेट्स. तो ये कितना इम्पोर्टेंट है वो आप देखिए. वायरलेस हेडसेट कम्युनिकेशन एक नया प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं एयरटेक री कम्युनिकेशंस. तो आइए देखते हैं, उनके एक्सपर्ट से जानते हैं कि ये क्या है और इसमें कौन से नए फीचर्स है. यस यस श्योर सर, दिस इज एयरटेक अल्ट्रालाइट HD. बेसिकली दिस इज फ्रॉम US फॉर टीम कम्युनिकेशन सिस्टम वायरलेस. जो इसमें आपको वायरलेस जो रेंज फ्रीक्वेंसी वाइज अगर आप देखने जाएंगे तो रेंज इसका है 400 मीटर इसका रेंज है लाइन ऑफ साइट ओपन स्पेस में. और आप इसको देख सकते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट है. आप इसको पूरा दिन जो है वो आप इसको पहन के यूज़ कर सकते हैं. आप इसको चेक कर सकते हैं एयरटेक अल्ट्रालाइट HD. इसमें अभी हमारे पास नया मॉडल भी लॉन्च हुआ है. ये जस्ट फर्स्ट रिसीव्ड हुआ है USA डायरेक्ट, जो हमने सीधा ब्रॉडकास्ट इंडिया शो में अभी ये हमने लॉन्च किया है आज. और इसमें फर्स्ट जो है हमने इसको कहाँ कहाँ पर ये कौन से सेक्शन में हमने डिलीवर्ड किया है. जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको ब्रॉडकास्ट, स्पोर्ट्स, न्यूज़ चैनल, अगर टीम कम्युनिकेशन करना है तो इसमें सिनेमा शूटिंग्स जो होती है, फिर हमने डिफेंस में भी दिया हुआ है, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी. आई पर्सनली डिलीवर टू CRPF जम्मू कश्मीर. यस, तो इसका पर्पस जो है आप देख सकते हैं इसमें टीम कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो जाता है आपका. जब आपके टीम मेम्बर के साथ आपको क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन देना है उनको, तो इसके लिए क्या क्या है फीचर्स इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी फ्री रहता है. इसमें आपको कोई लाइसेंस या कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. और इसमें आपको
पूरा दिन यूज़ कर सकते हो, इसका बैटरी लाइफ है, कंटिन्यूसली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि म्यूट ऑप्शन है, आपको जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है तो आपको जस्ट ये म्यूट करना है, तो आप सुन सकते हो, आपकी आवाज़ सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसमें बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, म्यूट ऑप्शन है, रेंज वाइज बहुत अच्छा है, इसमें 400 मीटर इसका रेंज है, और इसका ये जो है वो US का है ये टेक्नोलॉजी, हमने 500 प्लस सेटअप इसको इंडिया में ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दिया है। यस लाइव जब आपका अगर समझो 3 या 4 कैमरा सेटअप लगे हुए हैं मोस्ट ऑफ, तो अगर देखने जाएंगे तो हमने इसको दिया हुआ है 16% भी इसमें जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एक साथ 16 जो है वो लोग इस पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप मुझे बता रहे थे कि जी जो कैमरामैन कम्युनिकेशन का MCR से कम्युनिकेशन का, यस अगर आप कंसोल पे जो मिक्सर पे रहते हैं जो उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना रहता है कैमरामैन को, तो ये पर्टिकुलर कैमरामैन जो है वो पहनेगा और अपने जो टीम मेंबर रहेंगे उनके साथ वो कनेक्ट रहेंगे, तो वो सिंक में रहेंगे, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना रहता है वो इससे कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। अगर बहुत मतलब अगर म्यूज़िकल कुछ इवेंट चल रहा है, DJ है, पार्टीज़ और ये सब में अगर आपको शूट करना है मल्टी कैमरा से, मल्टी एंगल से शूट करना रहता है, ये देखिए मल्टी रोटेशनल इसका 260 डिग्री इसका रोटेशन है, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट लाइटवेट और सब पार्ट्स जो इसके रिप्लेसेबल है, आप इसको देख सकते हैं। इसका लिथियम पॉलीमर बैटरी रहता है इसके अंदर, जो इसमें पूरा 6 से 6 टू 8 आवर्स इसका बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। इसमें वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इसको पूरा दिन आप पहन के यूज़ कर सकते हैं शूटिंग्स में। ये बहुत हमारा कम से कम जो DOP टीम रहता है, सिनेमाटोग्राफर टीम, उसको हमने ऑलमोस्ट 100 DOPs को ये डिलीवर्ड कर दिया ऑलरेडी। ये अभी नया लॉन्च हुआ है, आज ही हमारे पास फर्स्ट इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, इंडस्ट्रियल है ये, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। तो ये सेक्शन में ये थोड़ा हैवी वेट, इसका बिल्ड क्वालिटी जो थोड़ा हैवी है, इससे जो मैंने अभी आपको इसके बारे में जो बताया। रेंज इसका 400 मीटर ओपन स्पेस में लाइन ऑफ साइट इसका रहेगा, अगर वॉल भी बीच में आती है, डिस्टर्बेंस भी आता है, तो भी आपको 300 मीटर तक इसका रेंज मिलेगा। इसका भी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा है, 6 to 8 आवर्स, और स्टैंड बाई मोड पे इसका 10 आवर्स बैटरी बैकअप है। यस, तो ये हमने सिंस 2015 से स्टार्ट किया था, जब हमने सिर्फ एवरी मंथ हम एक ऑर्डर पे हमने काम स्टार्ट किया था, जो भी हम ऑर्डर लेते थे फिर स्पेशली हम उनको मंगवा के देते थे, बट आज हमारे पास इतना रिक्वायरमेंट डिमांड आ रहा है, इतना हमने प्रमोट किया मार्केटिंग के थ्रू, और इसका जो क्वालिटी है उसको जज करते हुए हमने एवरी मंथ जो है हम जो है 20 सेट हम इसको सेल कर रहे हैं, 20 से 50 सेट करीबन इसको सेल कर रहे हैं हम एवरी मंथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कैमरा लेंस के बगैर अधूरा है, और सभी जानते हैं कि कौन सा लेंस कहां पर यूज करना है, सभी प्रोफेशनल्स फोटो वीडियोग्राफर्स जानते हैं कि कभी कौन सा लेंस कहां पर यूज करेंगे और लेंस किस टाइप से आते हैं। तो आपको सभी को मालूम रहेगा लेंस इतने महंगे क्यों हैं, लेंस के रिजल्ट्स किस चीज़ के ऊपर निर्भर है, लेंस बनते कैसे हैं और उसके प्रिकॉशन क्या लेते हैं लेंस बनाने के टाइम पे। तो आइए देखते हैं ये सब सवालों के जवाब लेंस के बारे में, आइए एक अच्छा सा वीडियो देखते हैं। This is Hasselblad's latest photography camera, X2D100C, which is currently going for $8,600. You can get the XCD f-stop 2.5 55 volt lens for $4,100. And this is the new Sony A7R 5 hybrid camera, which will cost you around $3,400, whereas you can get the Sony FE 24-70mm f-stop 2.8 lens for $2,300. Why do lenses cost almost the same or more than many flagship cameras, you may start to wonder. So, let's find that out. Well, a lens is more than just a glass piece, and a lot more process goes into making it. To understand how the lens works, we first need to know what the lens is. We have a full explanation video in our channel about how lenses work, so you can check that out after this video. In short, a lens is a piece of transparent glass that concentrates or disperses light rays when passing through them by refraction. The lens allows you to control the amount of light that enters the camera. Images formed by a lens are determined by its shape. Basically, the lens is a light controlling device, and it does this by bending and filtering.
The modern obsession or expectation is optically perfect fast lenses that perform faultlessly on ultra-high resolution sensors. This means very complex, highly corrected optical designs with a lot of exotic glass. The engineering that goes behind lenses is very time-consuming and requires great precision. It also needs a skilled team of technicians. High-end lenses are made by hand to exact tolerances, then they have to be aligned. Not to mention, the R&D that goes into AF motors, body design, weather sealing, coating, etc. A lens with an f-stop 1.2 maximum aperture is 1.5 times larger in diameter than a lens with an f-stop 1.8 maximum aperture. 1.5 times the diameter means 2.25 times the area and 3.375 times the volume of glass. And that means that you can expect to pay about 3.5 times as much if the designs are otherwise identical. Electronically, a lens has some decent processing power inside for things like IS, and they have to communicate with the camera via a data bus. So making a lens, especially the one that produces pin-sharp images, is anything but cheap. Good lenses are complicated and expensive to make. Realistically, a lens manufacturer is not going to be selling many of the $10,000 plus long lenses. Even a much more common lens such as 70-200mm f-stop 2.8 is not selling huge numbers when compared to most mass electronic markets. The market for interchangeable lens cameras is no longer massive. It's a niche product, which means more profit on each unit they sell to recoup their costs. You have to remember, photography is a luxury for hobbyists. Professional photographers can invest in expensive lenses as they know they can make money back fairly soon. Prices get higher when you look for telephoto, macro, fisheye, or scene-specific lenses. Most common primal and zoom lenses you can find are at quite affordable prices. Telephoto lenses tend to cost more than the usual ones. You should highly consider focal range when it comes to choosing the right lens for your type of photography. If you're on a limited budget, you can go for some older lenses that are good for most modern cameras. The Nikon 18-55mm DX, 5-200mm DX, Zuiko 50mm f/stop 1.8, Sigma 200-500mm f/2.8 are some of the cheap lenses as far as camera equipment goes. Granted, older lenses cost less than $100, will not be that good and won't be able to produce the exact shot you want. Sometimes, manufacturers make a lens using new technology that ends up being expensive and rubbish. This was the case with Canon's dual lenses. They used some diffractive optics which were slightly shorter than a normal lens, but they were super expensive and soft. This kind of fumble happens quite a few times in the camera industry. You can get good deals for old lenses from eBay or Amazon if you're really on a tight budget. But we'd suggest you save money for a while and invest in a nice piece of lens that will last you for years to come. So, that was all about lenses and why they're expensive. What do you think? Share your thoughts in the comments section down below. एम मीडिया के पिछले एपिसोड में हमने एक टॉपिक रखा था, प्रिंट मीडिया. यस, ये टाइम भी हम वो कंटिन्यू करते हैं. प्रिंट क्यों इम्पोर्टेंट है, एल्बम्स क्यों इम्पोर्टेंट है, फोटो एनलार्जमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है. वास्तु में भी बताया गया है कि हर एक घर में एक फैमिली पिक्चर्स होना चाहिए, तो आप प्रिंट नहीं रहेगा तो वो पिक्चर्स कैसे बनेगा. आप इतनी मेहनत करके अगर जो फोटो निकालते हैं तो उसकी प्रिंट तो बनती है ना. तो हम एक एक्सपर्ट्स जो प्रिंट मीडिया के हैं, उज्ज्वल ठक्कर जी, उनसे एम न्यूज़ के द्वारा संवाद कर रहे हैं. पवन प्लेजर डिजिटल प्रेस के पीआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं. तो आइए उज्ज्वल ठक्कर जी से जानते हैं कि प्रिंट का क्या इम्पोर्टेंट है, प्रिंट क्यों करनी चाहिए, और किस किस टाइप के प्रिंट मीडिया के पेपर होते हैं, क्या वैरायटीज है, क्या पवन प्लेजर क्या नया चीज लेके आ रहा है. तो आइए देखते हैं और आइए मिलते हैं उज्ज्वल ठक्कर जी से. एएमबी न्यूज में हम आपको मिलाने जा रहे हैं आज उज्ज्वल ठक्कर जी से, जो पवन प्लेजर डिजिटल प्रेस एल्बम्स कंपनी है. तो उनका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट वो संभाल रहे हैं. तो उज्ज्वल जी, एएमबी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है. यस, धन्यवाद. धन्यवाद अतुल जी. तो उज्ज्वल जी, मैं एक आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगा कि प्रिंट मीडिया
प्रिंट का क्या इम्पोर्टेंट है? प्रिंट सर अभी एक्चुअली देखा जाए तो प्रिंट ओनली प्रिंट नहीं है, मेमोरीज है. फ्यूचर के लिए अगर देखेंगे तो मेमोरीज है. और मेमोरीज जैसे सबको मालूम होगा हमारी जिंदगी का सबसे अमूल्य मतलब पार्ट है. तो मतलब प्रिंट को खाली प्रिंट नहीं बोल सकते, ऐसी मतलब चीज है ये. तो आपके हिसाब से एल्बम्स प्रिंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है? बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट अगर प्रिंट नहीं करता है तो समझिए कि आजकल जो ट्रेंड मतलब थोड़ा सा मार्केट में दिख रहा है कि लोग सॉफ्ट कॉपी पर जा रहे हैं और फोटोग्राफर भी उनको प्रीफर नहीं कर रहे हैं कि भाई हार्ड कॉपी आप प्रीफर नहीं कर रहे हैं. तो इसका मतलब डिसएडवांटेजेस ये है. देखिए बिजनेस तो ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है, वो तो जा रहा है, लेकिन जब 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी क्लाइंट को नीड होगा हार्ड कॉपी का, तभी ना फोटोग्राफर के पास डेटा होगा और फोन में जो डेटा रखते हैं, तो आई डोंट थिंक के 10 साल के बाद क्लाइंट के फोन में उसका खुद का डेटा मतलब सेव होगा. आजकल अभी एज ए फोटोग्राफर्स हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 साल में ही उनके पास डेटा इजीली अवेलेबल नहीं रहता है. नहीं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स फोटोग्राफर्स ने पार्टी को दे दिया है, लेकिन हाँ, अगर जो उनके घर पे कोई देखने के लिए आया हाँ, या उनको खुद को देखना है तो भी हाँ, ना कभी मोबाइल चेंज कर लिया है या फिर हाँ, कभी हार्ड डिस्क ओपन नहीं हो रहा है, पेन ड्राइव ढूंढ रहे हैं हाँ, तो ये हाँ, सब हाँ, एक्सक्यूज 2-3 साल में ही आते हैं फंक्शंस के बाद. यस. और कोरोना ने तो सर बहुत अच्छी तरह सिखा भी दिया है कि हार्ड कॉपी का नीड अपनी जगह पर 100% है और रहेगा ही. बरोबर. तो जब हम लोग 15-20 साल के 25 साल के बाद अगर जो कुछ हमारे फंक्शंस के मेमोरी देखनी है तो एल्बम ही एक जरिया है, प्रिंट ही एक जरिया है कि जिसके थ्रू देखी जाएगी. तो मेरे को आप ये प्रिंट मीडिया के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, आपके सर्विसेज क्या है, कितने साल से हैं आप ये लाइन में? ओके. अभी सर एक्चुअली देखा जाए तो प्लेजर फॉर्म जो है वो हमारा काफी पुराना फॉर्म है. जब RGB जो करिश्मा एल्बम जो बोलते हैं तो समझिए कि 2001 से हमारा चालू है प्लेजर जो फॉर्म है. लेकिन फोटो बुक जो अभी जो रिसेंटली जो मार्केट में ज्यादा मतलब चल रहा है तो फुल फ्लैश में मतलब चल रहा है, क्योंकि वो वेरी लो बजट और प्लस लो वेट में भी हो रहा है. तो वो हमारा स्टार्ट हुआ है 2013 से. और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग मतलब मार्केट में हम लोगों ने एक प्लेस अपना बनाया है कि HP इंडिगो मशीन जो है. एंड टाइम बाय टाइम हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स जो रहते हैं मतलब एल्बम के आउटर्स वगैरह जो रहते हैं और उसमें हम लोगों ने टाइम बाय टाइम अपडेट मार्केट को दिया ही है. जो मतलब जो हमसे जुड़े हुए वो तो 100% मालूम है और जो नहीं जुड़े वो भी काफी हद तक हमें जानते ही है. और क्वालिटी के मामले में समझिए कि इतना लंबे टाइम से है तो मतलब टिके हुए हैं और फोटोग्राफर के थ्रू हमारा रेफरेंस भी आपको घूमता मिल रहा है. तो क्वालिटी के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या लेवल पे हम काम कर रहे हैं, ये चीज है. आपका कंपनी कहाँ पर बेस्ड है? हमारा कंपनी बेस्ड है सूरत में, नियर अबाउट स्टेशन एंड बस स्टैंड जो भी बोल सकते हैं. मैक्सिमम 5 मिनट वॉकिंग है सूरत स्टेशन और बस स्टैंड से. एंड लाल दरवाजा करके एरिया है जहां पर है हमारा कंपनी पावन प्लेजर डिजिटल प्रेस. एंड पास की तो मैं बात नहीं करूंगा, बट मैं प्रेजेंट में बात करते हैं. अभी तो प्रेजेंट का मैं आपको बता दूं कि मेरा पूरा इनहाउस सेटअप है. मतलब जैसे मशीन का मैंने आपको बताया, मशीन के अलावा भी ऐसा नहीं है कि खाली प्रिंटिंग के मशीन से ही एल्बम बनता है. एल्बम जो बनता है उसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स मतलब नेसेसरी है. तो हमारा पूरा इनहाउस सेटअप है. जैसे प्रिंटिंग बाइंडिंग हो गया, देन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब बॉक्सेस हो गया, कवर हो गया, लेदर का मतलब जो प्रोडक्शन जो रहता है, वुडन का जो प्रोडक्शन है वो हमारा पूरा इनहाउस प्रोडक्शन है. और यही सेम जगह पर हमारा प्रोडक्शन अवेलेबल है. तो क्या है, हमारा एक और चीज भी है कि कोई भी क्लाइंट हमारे यहाँ पर आता है, फुल एक्सेसिबल है हमारा ऑफिस. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नो एंट्री, लैब मशीन के रूम में नो एंट्री, प्रोडक्शन हाउस में नो एंट्री. तो काफी लोग हमारी मतलब ऑफिस पे आए हुए हैं, मतलब फैक्ट्री पे. तो सबको मालूम है जो लोग आए, बाकी जो नहीं आए उनके लिए अभी मैं स्पेसिफाई कर दूं कि पूरा एक्सेसिबल है हमारा ऑफिस कोई भी क्लाइंट के लिए भी. ओके.
और आपकी स्पेशलिटीज क्या है उसमें वहां पर स्पेशली? यस, अभी स्पेशलिटी, यस स्पेशलिटी अभी हम अभी फिलहाल करंट टाइम में हमारा ये है कि समझिए सर, एल्बम प्रिंटिंग जो हो रहा है, ठीक है, ये फोटो बुक जो अभी मार्केट में बोलेंगे करिश्मा एंड फोटो बुक, बट फोटो बुक के बारे में इसके लिए मैं ज्यादा मतलब वो कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट में मेन अभी वही चल रहा है, ठीक है। तो प्रिंटिंग तो है ही हमारा, और प्रिंटिंग खाली मेरा है ऐसा नहीं है, अभी मार्केट में काफी वेरिएंट प्रिंटिंग मिल रहा है और काफी मल्टीपल प्लेसेस है जो मतलब फोटोग्राफर को अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए इतने ऑप्शन है कि मतलब हाथ पे नहीं गिन सकते, इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। बट हमारा जो मेन थिंग है तो वो है प्रोडक्ट, क्योंकि आज की डेट में क्लाइंट हमारा जो है एल्बम कब मतलब नेसेसरी उसको कब लगेगा कि जब खाली प्रिंट नहीं रहेगा, जब अभी मेन जो टाइम है अभी ऑनलाइन जमाना है तो आउटर जो है वो काफी मायने रखता है अभी ये जो टाइम चल रहा है, क्योंकि पहले का जो टाइम था जो नेगेटिव का जो टाइम था तो समझिए कि वो टाइम पे जो जो कपल था जिनका वेडिंग फंक्शन था वो मतलब डिसीजन नहीं लेते थे, उनके मदर फादर उनके एल्डर्स जो रहते थे घर में वो लोग डिसीजन लेते थे। अभी जमाना चेंज हो गया है, अभी जो कपल है वही खुद डिसीजन लेते हैं कि भाई मेरा फोटोग्राफर ये रहेगा, और उनको इक्विपमेंट के बारे में भी काफी अच्छी तरह से नॉलेज है तो फोटोग्राफर को वो भी सजेस्ट करते हैं कि मुझे ये ऐसा इक्विपमेंट चाहिए, मुझे ये जगह पे प्री वेडिंग करना है, हम ये जगह पे वेडिंग है तो यहाँ पर हम ये प्लानिंग से फोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो जो क्लाइंट है वो भी टोटली ऑनलाइन है और एक्टिवेट है, तो आउटर जो है जहां से हम क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं मतलब लेदर के बॉक्सेस बैग्स एंड कवर ये सब में हमारा अभी मोनोपोली जैसा सिस्टम है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में काफी हद तक आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, आपके कोई क्या साइजेस क्या क्या अवेलेबल है क्या वो? यस, अभी इन हाउस सेटअप हमारा जो है वो हमारा समझिए कि प्रोडक्शन जो मतलब प्रीमियम कैटेगरीज जो हो गया मतलब बॉक्सेस बैग्स हैं उसमें साइजेस का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। बट जो प्रिंटिंग सेगमेंट जो है मेरा तो उसमें मेरा मशीन जो है वो उसमें फोटो बुक में 12x36 हमारा मैक्सिमम साइज है, बट एल्स देन मतलब मेगा एल्बम हो गया तो क्लाइंट का नीड के हिसाब से हम लोग प्रिंटिंग आउटसोर्स करते हैं। फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि मतलब बाइंडिंग वगैरह पूरा हमारा इन हाउस सेटअप है बट प्रिंटिंग वो हम आउटसोर्स कर लेते हैं, और 12x36 तक तो देखना ही नहीं है, वो तो हमारा पूरा इन हाउस सेटअप है। और आप आउट ऑफ सूरत आउट ऑफ गुजरात भी आप डिलीवरी देते हैं ऑर्डर लेते हैं? यस ऑफ कोर्स सर, जैसे मैंने आगे ही आपसे डिस्कस किया कि अभी जैसे क्लाइंट ऑनलाइन इतना अपडेटेड हो गया है सोशल के जमाने में तो हम लोगों को भी पीछे रह के बिजनेस हम गेन नहीं कर पाएंगे कभी, तो आउट ऑफ सूरत तो दूर की बात है, आउट ऑफ गुजरात भी बहुत दूर की बात है। अभी हमारा बिजनेस आउट ऑफ इंडिया में भी काफी हद तक हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, कैनेडा हो गया, ये सब कंट्रीज में भी हमारा अभी काफी अच्छी तरीके से बिजनेस चल रहा है। तो आपके जो रेट फैक्टर है वो कैसे हैं, क्या है आपके कुछ प्रीमियम क्वालिटी कुछ अलग रेट्स है या कुछ? हाँ यस ऑफ कोर्स, जैसे देखिए स्टार्टिंग जो मतलब बोलेंगे कि भाई वो कैटेगरी वाइज हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि समझिए 500 रुपए से स्टार्ट होता है हमारा जो नॉर्मल कवर रहता है, देन प्रीमियम में आप जाएंगे तो 900 से स्टार्ट होता है और 26,000 तक अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है, बट 2025 तक हमारा प्लानिंग है, इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाने का हमारा टारगेट है, भले वो हम एकदम कम सेल होगा लेकिन हमको बनाना है क्योंकि अभी हमारा जो टारगेट है वो मैं आपको खाली शेयर कर रहा हूँ। चलेगा, तो वो जो प्रीमियम सेगमेंट है आपका उसके भी कुछ वीडियो फोटोज आप हमें शेयर कीजिए तो yes, of course, हमारे ये व्यूअर्स जो है वो भी देखेंगे। yes, yes, और of course, वो भी अपने आप को अपडेट करेंगे। हाँ यस सर, मैं अभी अभी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज थोड़ा जो नया हमारा ब्रॉश अभी ये समझे कि नवंबर चल रहा है, नवंबर आधा तो खत्म भी हो गया और अभी जो रनिंग जो मेरा चल रहा है तो वो मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ दिसंबर से, क्योंकि हम लोग हर साल हमारा जो प्रीमियम सेगमेंट जो रहता है वो हम हर साल जनवरी में अपडेट करते हैं, तो मैं जनवरी से ही मेरा नया जो है वो बन गया है, बट मैं अभी आपसे मतलब शेयर नहीं कर पाऊंगा उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जनवरी में हम लोग फिर से आपसे एक बार मिलेंगे। यस ऑफ कोर्स, तो वो टाइम पे सर मैं काफी मतलब ऐसे प्रोडक्ट आपसे शेयर करूंगा कि मतलब आपको भी मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो आपको ये जो एल्बम सेगमेंट्स है
उसमें आप फोटोग्राफर्स के लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? यस, फोटोग्राफर के लिए सर अभी उनके लिए तो देखा जाए तो एक ही मैसेज है, अभी सीजन तो चल ही रहा है और मैं उनको प्रीफर करूंगा कि जहां तक हो सकता है मैं मतलब मार्केट में मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, ठीक है, तो हमने जहां तक मार्क किया है कि फोटोग्राफर भी आज के टाइम में के क्लाइंट से विदाउट एल्बम का बजट लेके उनको मतलब हार्ड कॉपी से हटाने का मतलब कर रहा है। अभी उनका मानना है कि भाई बजट का इश्यू रहता है, ठीक है, तो अभी उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि हो सके तब तक, देखिए आपका हमारा जो बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस है, फोटोग्राफर का जो बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस है, तो हमारा जो मार्जिन है वो मेन एल्बम से मतलब रेफरेंस जो घूमता है वो हार्ड कॉपी से घूमता है। अभी समझिए कि फोटोग्राफर्स इतना हैवी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, 5 लाख 10 लाख का कैमरा पूरा किट यूज कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट कहाँ से मिल रहा है? क्लाइंट के हाथ में जो आउटपुट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो फील्ड पे कितना भी मेहनत करेंगे लेकिन जब एंड यूजर जो है उसके पास में जहां तक हार्ड कॉपी नहीं जाएगा तब तक उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं है इसका। तो मैं प्रीफर करूंगा कि मतलब ज्यादा तो नहीं, आप एक खाली 10 पेज का भी अगर आप एल्बम बनाने के लिए मतलब उनको कॉम्प्लीमेंट्री रख देंगे ना, तो वो अपने आप दूसरा जो मेन एल्बम है वो अपने आप प्रीफर करेंगे क्लाइंट। बरोबर, तो आप यहाँ से मैसेज देना चाहेंगे कि एटलीस्ट आप एक एल्बम पार्टी को दीजिए? यस ऑफ कोर्स, अगर क्लाइंट दूसरे बहुत सारे, यस अगर क्लाइंट बजट नहीं दे रहा है तो देखिए हमारा फील्ड इतना छोटा नहीं है कि हम 10 शीट का एल्बम क्लाइंट को ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ना दे सके। फंक्शंस के लिए, वेडिंग के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो किस किस टाइप के एल्बम बना सकते हैं? एज ए फोटोग्राफर्स आप क्या टिप देना चाहेंगे कि फोटोग्राफर्स लोग पार्टी को क्या किस किस टाइप का एक एल्बम बना के दे सकते हैं? ये अभी सर वेडिंग तो समझिए कि अभी एकदम वेडिंग बोलेंगे तो हमारी फील्ड में सेगमेंट हो गया है, फोटोग्राफी फील्ड में सेगमेंट अलग अलग हो गया। जैसे पहले का टाइम मतलब हम देखेंगे तो खाली हमको दिखता था कि भाई जैसे छोटा सा बर्थडे फंक्शन हो गया, वेडिंग हो गया, एंगेजमेंट हो गया और ज्यादा से ज्यादा रिसेप्शन हो गया, इससे ज्यादा फंक्शन देखने को नहीं मिलता था। अभी वेडिंग जो है वो सबसे पीछे रह गया है। अभी मार्केट में नया ट्रेंड जो चल रहा है वो है चाइल्ड शूट, बेबी शूट, फिर मैटरनिटी शूट चल रहा है, प्री वेडिंग चल रहा है, ठीक है। तो अभी मतलब वेडिंग के लिए अगर आप पूछेंगे तो समझिए कि भाई जिसका जो फोटोग्राफर का जो हिसाब से क्लाइंट बजट देता है वो हिसाब से ही, मतलब उसके लिए हम एक स्पेसिफाई चीज नहीं कर सकते कि भाई आप ये बजट में जाओ या फिर ये चीज आप यूज करो। तो वेडिंग अपना फील्ड ऐसा है कि समझिए कि फोटोग्राफर जो है और उसका बजट जो स्टार्ट होता है, समझिए कि आज 15-20 हज़ार से स्टार्ट होता है और उसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसको हम कभी स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे ये चीज को कि भाई वेडिंग के लिए आप ये चीज यूज करो, चाइल्ड के लिए आप ये यूज करो, प्री वेडिंग के लिए आप ये यूज करो। वो बजट वाइज करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। आप फोटोग्राफर्स को आप क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर दे सकते हैं आपके एंड से? उसको एल्बम बनाना है लेकिन डिजाइन आप करके देंगे और कितना फास्ट डिलीवरी आप उसको देते हैं? यस, अभी ये बात के लिए सर अच्छा है आपने मतलब पूछा, क्योंकि ये मेरे ध्यान में नहीं था, ये सबसे अच्छा पॉइंट भी है और फोटोग्राफर के लिए जानना भी जरूरी है। हमारा जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारा पूरा इनहाउस सेटअप है, तो हमारे पास इनहाउस सेटअप जो है वो वहां तक है कि फोटोग्राफर ने जब फोटोग्राफी कर लिया, ठीक है, उसके बाद अगर फोटोग्राफर एंड यूजर को सिलेक्शन के लिए डेटा प्रोवाइड करता है और अगर नहीं करता है तो भी, करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, वो जैसे मतलब सिलेक्टेड डेटा हो गया, वो जैसे उसने हमको फॉरवर्ड किया, उसके बाद का पूरा काम हम लोग कर लेते हैं कि समझिए मेरे पास एक बार डेटा आने के बाद डिजाइनिंग में करता हूँ, प्रिंटिंग में यूज करता हूँ, अगर उनको हर एक बार नया डिजाइन चाहिए तो वो भी हम लोग मतलब बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारा फंडा है कि भाई हम लोग ये सेगमेंट ऐसे काम करेंगे, वैसा नहीं, उनको हर बार के लिए और प्रोजेक्ट के वाइज हम उनको सजेस्ट भी करते हैं कि भाई इसमें आप ये पेपर यूज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमारे यहाँ से ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि जैसे आपको डायरेक्ट एंड यूजर के यहाँ पर एल्बम आपका शिप करना है, क्योंकि अभी का जो टाइम है कि समझिए कि आप जैसे मतलब अज्यूम करते हैं आप अगर मुंबई से है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका क्लाइंट भी मुंबई में ही हो, आपका क्लाइंट पुणे से भी हो सकता है, बेंगलुरु से भी हो सकता है,
हम लोगों ने ये भी हमारे यहाँ पर फैसिलिटी है कि पूरा एल्बम कंप्लीट होने के बाद हम लोग हमारे एंड से रीचेकिंग करने के बाद कि भाई एल्बम पूरा कंप्लीट है कि डायरेक्ट एंड यूजर तक भेजने के लायक है अभी एल्बम के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका अगर क्लाइंट बेंगलुरु का है तो हम आपके नाम से कंपनी का नाम कई बार भी नहीं जोड़ते, आपके नाम से ही हम डायरेक्ट क्लाइंट को बेंगलुरु भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, ये अच्छी सर्विस है। लेकिन एक पॉइंट इसमें आता है एज ए फोटोग्राफर, न फोटोग्राफर के पास टाइम है न पार्टी के पास टाइम है सिलेक्शन के लिए। उसमें सर मैं मतलब देखिए अगर फोटोग्राफर हमारे ऊपर छोड़ता है ठीक है तो वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सर चीज मेन ये है कि फील्ड पर दो ही लोग अवेलेबल है, एक तो एंड यूजर है और एक फोटोग्राफर है ठीक है। तो रिलेटिव्स कौन कौन है, अगर रिलेटिव्स है या नहीं है, किनका फोटो मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट है किनका फोटो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है, तो जितना हम लोग मतलब फोटोग्राफी से देख पाते हैं उतना हम लोग देख के डिफाइन कर लेते हैं, अगर जो नहीं होता है तो वहां पर हम फोटोग्राफर का हेल्प मतलब वो नेसेसरी चीज है। ओके तो ये जो मेन जो फोटोग्राफर्स को प्रॉब्लम है वो आप सॉर्ट आउट करके देते हैं डिजाइनिंग का? यस ऑफ कोर्स सर। और स्पेशली ऐसा नहीं कि एक बार डिजाइन बनाया तो खत्म हो गया, वापस दूसरा बनाना है क्या तो वापस दूसरा चार्ज, ऐसा भी आपका नहीं है? नहीं 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 ऑफ कोर्स सर। तो ये आप बहुत कोऑपरेटिव वे से आप बिजनेस का एक कोलैबोरेशन करना का ऑफर दे रहे हैं आप फोटोग्राफर्स को, तो हम एम न्यूज की तरफ से हम आपको वेल विशेष भी देते हैं और आने वाली आगे सीजन में भी हम चाहेंगे हर एक फोटोग्राफर्स आपके पास आवे और बुक बनाए और अपनी मेमोरीज और अपने क्लाइंट्स को खुश करें। तो रियली थैंक यू एम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, ऐसे ही आपके जो भी अपडेट्स हैं आप हमें शेयर कीजिए, हम फोटोग्राफर को शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये था हमारा एम न्यूज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर से कमेंट्स में लिखिए, आपको अच्छा लगा तो आप आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये शेयर कीजिए। ये एम न्यूज यूट्यूब चैनल पर हर मंगलवार रात को 8 बजे रिलीज होता है, साथ ही में फेसबुक है इंस्टाग्राम है व्हाट्सएप के जरिए हम सभी ये एम न्यूज का सभी जगह पे हम आपको शेयर करते हैं। तो आप अगर जो आपके यहाँ के कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे जो रिलेटेड रहेगी फोटो वीडियो इंडस्ट्रीज के साथ, आपकी एक्सपर्टाइज आपके विचार आपके नए प्रोडक्ट्स आपके नए सर्विसेज, तो आप जरूर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर भी दिया गया है 9222392434 और ईमेल आईडी हमारा है info.amnews@gmail.com। तो आप जरूर से ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए, तो हम सभी इंफॉर्मेशन एम न्यूज़ के जरिए सभी फोटो वीडियोग्राफर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में दिखाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मिलते हैं अगले मंगलवार को, तब तक के लिए अलविदा।